साल भर कैलेंडर छानना, साल भर पंचांग छानना, मात्र का श्राद्ध केवल नवमी के दिन ही आता है। और देवी भागवत में लिखा है ये मात्र का श्राद्ध इसी दिन माता जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी पृथ्वी पर। मात्र का श्राद्ध, ये तुम नौरात्रियां पूछते हो उस दिन माता जी का जन्मदिन नहीं आता, मात्र का श्राद्ध के दिन माता जी का जन्मदिन कब है? जगत जननी दुर्गा। मात्र का श्राद्ध किसी ने कृष्ण किया है, वो हम लिखकर लेकर आए हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में हमें किसको भोजन कराना चाहिए? ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करा। बहुत ध्यान देना महाराज का कथा था। श्राद्ध पक्ष में कोई वीडो स्त्री मर गई, कोई विधवा नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्यग्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को करो। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता है, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, गरुण पुराण, गर्ग संहिता, वराह पुराण, ये सारी पुराण वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो। स्त्री क्या वेद पढ़ती है? स्त्री क्या गायत्री करती है? स्त्री क्या संध्या करती है? स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन के श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का। अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागत गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया, वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं बुलाया। अगर पति आता दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं देती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया है। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। कल मात्र का श्राद्ध है, भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुमारी बेटियां शांत होती हैं,
जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नौमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौए को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तालाब बावड़ी कुआं कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। गांव में आपके नगर में हो महाराज, तीन जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है, पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये तीन जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये तीन जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी